आज हम इस वीडियो 7J में लेसन एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 1-4 सॉल्व कर चुके हैं, तो अगर आपको कोई डाउट हो 1-4 में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन फोर का फर्स्ट पार्ट, फाइंड द क्वोशेंट एंड रिमाइंडर एंड चेक, ठीक। तो इसको सॉल्व करते हैं, कितना दिया है, 21 से डिवाइड करना है 654, ठीक। तो सबसे पहले तो आप इस फॉर्म में लिखें, आप देखो इसमें 21 का टेबल्स कितने टाइम्स आएगा, 3 टाइम्स। तो 21 3 से कितने होते हैं, 3 1 3 और 3 2 6 63, ठीक। 5 में से 3 गए 2, 4 ऐसे नोट किया, 21 1 ज़ा 21, 4 में से 1 सबट्रैक्ट किया 3, 2 में 2 गया 0। तो मैं कह सकता हूँ कि इसका क्वोशेंट है, क्वोशेंट कितना है इसका, क्वोशेंट है 31 और इसका रिमाइंडर आया है, रिमाइंडर है इसका 3, ठीक। उसके बाद अब इसको चेक करना है, इसको चेक करना है, वेरिफिकेशन करना है, वेरिफिकेशन चेक करना एक ही बात होती है, ओके, सत्यापन करना है। तो इसके लिए एक फार्मूला मैंने आपको एक्सप्लेन किया था और समझा भी था कैसे किस तरह से होता है। तो क्या होता है, डिवाइडेड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, ओके, ये था। उसके बाद इसका डिवाइडेड कितना है, डिवाइडेड है, हाँ, जिस नंबर्स में डिवाइड कर रहे हैं वो डिवाइडेड होता है, तो 654 ये इसका डिवाइडेड है और डिवाइजर है 21 और क्वोशेंट कितना है 31 और इसका रिमाइंडर है 3, ठीक। अब 21 की 31 से किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 31 21, 1 1 ज़ा 1 1 3 ज़ा 3, 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6, इनको ऐड करेंगे 1 3 2 5 6, कितना आया 651 प्लस 3, कितना है, ये आया 654, सेम है ना, जितना डिवाइडेड आया था हमने सॉल्व किया उतना डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वेश्चेंट प्लस रिमाइंडर आया, ठीक। तो इस तरह से अगर ये सेम आ रहे हैं, इक्वल हैं, तो कह सकते हैं जो हमने डिवीजन की है वो करेक्ट है, ठीक, जिस तरह से मैंने लिखा है यहाँ पर, हैंस द डिवीजन इज करेक्ट, ओके। तो इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे और इसका क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2nd और 3rd पार्ट, ये आपको सॉल्व करना है होमवर्क में, तो कर सकते हैं आप लोग, ठीक। अच्छा, उसके बाद इसका 4th पार्ट, क्वेश्चन 4 का 4th पार्ट है, तो ये भी सिंपल है, ठीक, इसको सॉल्व कर लेते हैं एक बार। कितना है, 8,946 को डिवाइड करना है 7 से, तो सबसे पहले तो आप इसको, सबसे पहले आप इसको इस फॉर्म में लिखें, ठीक, इस फॉर्म में लिख लिया आपने। उसके बाद क्या करेंगे आप लोग इसमें, उसके बाद आपको करना है इसमें 7 का टेबल 8 में, ठीक है, तो 7 का टेबल 8 में 1 टाइम्स 7 7, ठीक, 8 में 7 है 1 कैरी 19, ओके। अब 7 का टेबल 19 में 2 टाइम्स 7 2 ज़ा 14, कितने 5, 9 में से 4 गए 5 और 1 में से 1 गया 0, ठीक, ये हमने 9 नोट किए यहाँ पर हमने, अब यहाँ पर हम 4 नोट करेंगे, कितने नोट करेंगे 4, क्योंकि 5 में तो आएगा नहीं टेबल। तो 7 का टेबल 54 में 7 टाइम्स
7 7 जा 49, ठीक। उसके बाद कितने बचे, 1 5, और यहाँ 4 में से ऊपर गया 0, ठीक है। तो यहाँ 14 में से लगे 5, ठीक। अब उसके बाद इस 6 को यहाँ नोट करेंगे तो कितना आएगा, 6, 56 हो गया, ठीक। अब सेविंग टेबल 56 में कितने टाइम्स आएगा, 8 टाइम्स। कितने टाइम्स आएगा, 8 टाइम्स, तो 7 8 जा 56 होते हैं, ठीक। और 56 में से 56 जाएंगे तो 0 बचेगा। तो मैं कह सकता हूँ कि इसका रिमाइंडर आया है, रिमाइंडर है इसका 0, और क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन है 1 2 7 8, ये है ना। अच्छा, उसके बाद इसको चेक करना है ना, तो इसको चेक करने के लिए वेरिफिकेशन करना होगा, वेरिफिकेशन करना होगा इसका। तो एक फार्मूला आपको बताया था अभी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बताया था, डिवीजन डिवाइडेड इक्वल टू होता है डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशंट, कोशंट प्लस रिमाइंडर, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे, इसमें हम जो जो वैल्यू दी है यहाँ पुट कर देंगे। डिवाइडेड कितना है, 8 9 4 6, और डिवाइजर है इसका 7, और क्वेश्चन आया है 1 2 7 प्लस, और रिमाइंडर है इसका 0। इसके नंबर्स की मल्टीप्लाई करेंगे 7 से 1 2 7 8 की, तो कितना आएगा, 8 9 4 6 आएगा प्लस 0। वो किसी भी नंबर में जब 0 ऐड करते हैं तो उस नंबर में कोई भी फर्क नहीं पड़ता, सेम वही नंबर आता है, ठीक। दोनों सेम है, जब दोनों सेम है तो मैं कह सकता हूँ हैंस, इसीलिए अतः द डिवीजन इज करेक्ट। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 का 5 ये आपको सेल्फ सॉल्व करना है होमवर्क में, और ये भी आपको होमवर्क में ही सॉल्व करना है, ठीक। तो अच्छे से सॉल्व करना, अगर आपको कोई डाउट हो तो मुझसे आप पूछ सकते हैं, ठीक। तो आज की वीडियो यहीं तक, थैंक यू, बाय।